27/10/2023 का आदेश है और ये आदेश थोड़ा सा काफ़ी मतलब वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा का लेकर है, बहुत मतलब वार्षिक परीक्षा को बहुत एडवांस में ही मतलब दे दी गई है। चलिए कोई नहीं, तो परीक्षा के संबंध में पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है, काफ़ी एडवांस है, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं अभी कितना महीना हुआ है, अभी ये जो चल रहा है अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च में पेपर होंगे, फरवरी से तैयारी होगी, काफ़ी एडवांस। चलिए खैर, तो ये है बकायदा, क्योंकि तब इसको फिर से हमको लग रहा है तब तक लोग भूल जाएंगे, फिर से इसको जारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस समय की बात करेंगे, 24 की बात है, जनपद द्वारा समय सारणी के निर्देशक प्रेषण हो जाएगा 26/2/24 को, जनपद प्रस्तों का निर्माण मुद्रण कराना 4/3/2024 तक, और खंड शिक्षा अधिकारियों को वितरित करना 8/3/2024 तक, वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन 11/3 से 15/3 के बीच में हो जाएगा, मूल्यांकन कार परीक्षा 24/3/2024 तक होगा, परीक्षा फल की घोषणा प्रगति रिपोर्ट 26/3/2024 तक, ठीक है। बकायदा समय सारणी दी हुई है 11/3/24 को और 12/3/24 को, 13/3/24 को, 15/3/24 को, ये इस तरह के वगैरह समय सारणी दी हुई है, ठीक है। तो दो दो घंटे के पेपर लेने हैं, एक दिन में दो पेपर होने हैं, इस तरह के सारा विषय का दिया हुआ है, प्राइमरी और जूनियर सबका, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होगा। तो अगर हम अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर ले, इसमें छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया हुआ है, छोटा सा ही पॉइंट है। तो अगर अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर ले, मैं खुद ही ढूंढ रहा था कि अर्धवार्षिक परीक्षा क्या कर, 7 पॉइंट नंबर देखिए, पॉइंट नंबर जो 7 दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की देख रेख में प्रश्नपत्रों का निर्माण कराते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी सुविधा अनुसार 31/10/2023 से 10/11/2023 तक कराया जाएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए केवल यही है, और यही है कि पहले बाकी सारे नियम वही हैं कि आप फेल नहीं कर सकते हो किसी को, ठीक है, और मौखिक परीक्षा लिखित है कर सकते हो, ये सब आपके सुविधा के अनुसार है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, रिपोर्ट भी छात्र छात्राओं को समय पर दे देना ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ वही है, मोस्टली चीज़ें वही हैं, कुछ नया मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे नया मिला नहीं है कुछ। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे साइन है सचिव जी का, ठीक है, तो किसी को फेल कर नहीं सकते, और जो संपन्न होगी परीक्षा जो हो जाएगी शैक्षिक सत्र 2023 संपन्न कराए जाने वाली वार्षिक परीक्षा 50 नंबर की होगी, और अर्धवार्षिक भी 50 की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से काम होना है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कोडियो साथ, तब तक बने रहिए। और हाँ, परीक्षा की 31 की बात हो रही है, तो 30 को स्कूल खुलेगा, ठीक। बाप रे, स्कीम की तो यही स्कीम में दो डेट चेंज करके इसी में बच्चों को लिखवा सकते हो। चलिए ठीक है, ओके नमस्ते। और देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, सबसे लास्ट में क्या लिखा है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शैक्षिक सत्र 2023 की अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद स्तर पर BSA का परीक्षा फल मूल्यांकन काल में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन कार तद विषयक निर्गत शासनादेश और विभागीय निर्देशों के अनुपालन में सुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के उपरांत प्रगति रिपोर्ट कार्ड छात्र छात्राओं की निर्धारित तिथि पर उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे आप परेशान नहीं होंगे, आज कितनी है 28, तो कल तक हो सकता है, हमारे शिक्षक बहुत एक्टिव हैं, पेपर ही बना के दे डाल देंगे, PDF आ जाएगा, प्रिंट आउट करा के ले सकते हैं बोर्ड पर लेके। चलिए दोस्तों।